नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं चैनल फिल्मी अड्डा पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सांपों के बारे में। इन सांपों को जरा ध्यान से देखिए, एक दूसरे के ऊपर लदे हुए ये सांप एक पेड़ पर लटके हुए हैं। सांपों को लेकर वैसे भी हमारे देश में तमाम तरह की मान्यता है। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड तक सांपों को लेकर हमेशा कौतूहल बना रहता है। बॉलीवुड में तो सांपों को लेकर ना सिर्फ तमाम फिल्में बल्कि बीन की धुन पर लहराती नागिन पर बहुत से हिट गाने भी हैं। फिल्मों की अगर बात की जाए तो नागिन, नगीना, निगाहें, शेषनाग, नाचे नागिन गली गली, दूध का कर्ज और जाने दुश्मन जैसी तमाम हिट फिल्में बनी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे लहराए हैं। साथ ही इन फिल्मों के कई ऐसे गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, बीन बजाता जा सपेरे, मुझे नचाता जा सपेरे, तंडोले मेरा मंडोले जैसे तमाम गाने अमूमन अभी भी सुनने को मिलते हैं। फिलहाल बॉलीवुड में सांपों पर फिल्म बनाने की दिलचस्पी अब भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब टीवी पर नागिन सीरियल के जरिए सांपों की अद्भुत रहस्य से भरी दुनिया का पेश किया जाता है। यकीन कहना गलत नहीं होगा कि सांपों की दुनिया का कॉन्सेप्ट दर्शकों को अभी भी खास पसंद नहीं आता। तभी तो टीवी पर जब नागिन प्रसारित हुआ तो टीआरपी में सबसे आगे निकल गया। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों बड़े पर्दे पर सांपों की वापसी किस तरह और कैसे और कब तक होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं चैनल फिल्मी अड्डा पे। धन्यवाद।